गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम जाने वाले हैं हुंडई के शोरूम पे। आप लोगों को तो मालूम ही है साउथ कोरियन कंपनी है हुंडई, जो सेंट्रो को फिर रीलॉन्च किए है। 26 तारीख को फिर लॉन्च किया है सेंट्रो नया मॉडल। पहले तो सेंट्रो एक बहुत ही मशहूर मॉडल था हुंडई का, बहुत चला है रास्ते में, सब कोई देखे होंगे। पर कुछ साल के लिए सेंट्रो को बंद कर दिया गया था। अभी ये 26 अक्टूबर 2018 को फिर से रीलॉन्च किए हैं सेंट्रो को। इसी के बारे में कुछ जानकारी लेने और ये कैसे किए हैं ये कार, ये देखने के लिए आज हम जा रहे हैं हुंडई के शोरूम पे। आप लोग भी चलिए मेरे साथ, देख लीजिए। आप लोगों से मिलते हैं हुंडई के शोरूम पे। दोस्तों, आज हम आए हैं हुंडई के शोरूम पे। आप लोगों को तो मालूम है हुंडई का सेंट्रो फिर से नया लॉन्च किए हैं कुछ दिन पहले। पहले तो सेंट्रो था, पर कुछ साल के लिए सेंट्रो को बंद कर दिया गया था। पर अभी न्यू लुक के साथ वो सेंट्रो फिर वापस आया है। तो इसी के बारे में कुछ जानने और आप लोगों को भी दिखाने सेंट्रो कैसा किया है, इसी के लिए आज आए हैं हम। चलिए अंदर चलते हैं, देख लेते हैं सेंट्रो कैसा किया है। ये देखिए हुंडई का शोरूम मुकेश हुंडई, ये कोलकाता में वीआईपी रोड के ऊपर है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए फ्रंट लुक न्यू सेंट्रो का। देखिए ये है सेंट्रो का न्यू मॉडल, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत किए है और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अंदर में देख लीजिए, वॉइस कंट्रोल है स्टीयरिंग में, आप यहां से फोन पकड़ सकते हैं या काट सकते हैं। पीछे में रियर बैक कैमरा दिया गया है, इसे पार्किंग कैमरा कहते हैं। अंदर में स्पेस भी खराब नहीं है। पीछे में रेयर एसी ब्लोअर है, जिससे पीछे में जो रेयर में जो पैसेंजर बैठेंगे उसको भी एसी का हवा पूरा पूरी आएगा। और पावर विंडो का जो स्विच है वो मिडिल में दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम में इनबिल्ट है। यह है सेंट्रो का एस्टा मॉडल। इस मॉडल में गियर तो मैनुअल है, ये टॉप वेरिएंट है। पर मैग्ना और स्पोर्ट्स मॉडल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। डैशबोर्ड भी काफी खूबसूरत है। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया गया है और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है।
सीट का कुशन भी बहुत ही नरम है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए इसका म्यूजिक सिस्टम एंड इंटीरियर। यहाँ से आप म्यूजिक सिस्टम भी कंट्रोल कर सकते हैं, फोन पकड़ सकते हैं एंड कट कर सकते हैं। ये स्पीडोमीटर है। अंदर से तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमको। मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। यह है एसी। ये डैश बॉक्स है। इसमें तो उतना कुछ जगह नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। लेग स्पेस भी अच्छा ही है। आइए थोड़ा इंजन को देख लेते हैं। 1.1 लीटर का इंजन दिया गया है इसमें। ये देखिए एक साइड का बैटरी दिया गया है। अभी आइए डिक्की में थोड़ा देख लेते हैं कितना जगह दिया गया है। डिक्की ओपन करने के लिए आपको की से ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो अंदर में डिक्की ओपन करने का जो नॉब है उससे आपको ओपन करना पड़ेगा। तो आइए ओपन करते हैं डिक्की को। ये देखिए डिक्की में भी बहुत सारा जगह दिया गया है। हैचबैक के हिसाब से ये तो काफी जगह है। अगर आपको और भी ज्यादा जगह लगेगा तो ये रियर सीट जो है इसको आप फोल्ड कर पाइएगा और इसमें और ज्यादा जगह आ जाएगा। इसमें आपका बड़ा कोई ट्रॉली बैग या कोई लगेज जो भी हो वो आराम से आ जाएगा। तो मुझे तो ये गाड़ी अच्छा ही लगा दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आइए एक बार बाहर से पूरा देख लेते हैं। डिग्गी बंद कर देते हैं अभी। टायर भी MRF का प्रोवाइड कर रहा है इसमें हुंडई वालों ने। ये देखिए MRF का टायर है। देखने में भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। कुछ डिफरेंट टाइप का किया है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो आइए इसका कुछ स्पेसिफिकेशन, प्राइस लिस्ट
और ब्रोशियर जो है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए न्यू सेंट्रो का प्राइस लिस्ट, ऑन रोड कोलकाता में कौन सा वेरिएंट का क्या प्राइस पड़ रहा है देख लीजिए। अब ब्रोशियर देख लीजिए। ये देख लीजिए गाड़ी का स्पेसिफिकेशन। सेंट्रो का कुछ सुंदर सा पिक्चर देख लीजिए, स्टील पिक्चर। अभी बैठे हैं शोरूम पे, सेंट्रो के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे हैं। अभी देख लिए हैं सेंट्रो के बारे में, अभी निकल रहे हैं शोरूम से, इन्फॉर्मेशन भी ले लिए। तो आप लोग ने जरूर देखे होंगे सेंट्रो कैसे किए हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइए कैसे लगे आप लोगों को, कौन कौन लेना चाह रहे हैं। तो फिर मिलते हैं मेरा न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए अलविदा एंड बाय बाय।